अनुदेशक शिक्षा मित्रों को विशिष्ट शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में गिना गया छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, क्या इसके बाद इनको भी शिक्षक बनाया जाएगा? चलते हैं बात करते हैं आज के इस खास वीडियो पर। साथियों, एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप रहें अपडेट हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुदेशक न्यूज़ में। यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक सवाल में कहा गया है, यानी कि विशेष शिक्षा मंत्री से सदन में एक सवाल किया गया कि आप शिक्षक भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि छात्र शिक्षक अनुपात में हमारे पास शिक्षा मित्र और अनुदेशक जोड़कर शिक्षक पूरे हैं और हम मानक पूरा करते हैं, इसलिए अभी शिक्षक भर्ती करने की कोई योजना नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये एक बार और बताया था माननीय विशेष शिक्षा मंत्री ने, ये डाटा दिया था सदन में और कहा था कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जोड़कर हमारे पास छात्र शिक्षा अनुपात पूरा है, मानक पूरा है, लिहाजा अभी शिक्षक भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, यहाँ पर एक बात करते चलते हैं, जब से माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी ने डाटा दिया है सदन में, यानी छात्र शिक्षक अनुपात में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को शिक्षक मान लिया है, तब से ये सवाल बना हुआ है, लगातार सवाल किया जा रहा है माननीय शिक्षा मंत्री से, सरकार से, छात्र और शिक्षकों के अनुपात में अनुदेशकों को जोड़ देते हैं लेकिन वेतन में भेदभाव क्यों? 17,000 वेतन का वादा 17 में किया था, आज तक पूरा नहीं किया। कई तरह के ऐसे सवाल हो रहे हैं, समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर बवाल और सवाल हर रोज सदन में उठाए जा रहे हैं। साथियों, क्या कहा माननीय विशेष शिक्षा मंत्री ने, आइए पूरा सुन लेते हैं सदन में क्या कहा है। जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है, तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये PTR जो हमारा रेशियो है, टीचर बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं। आप पूछो। करना चाहता हूं कि अगर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के तो उनको 7,500 और 10,000 आप तो दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, मेरा कहना कि जब आपके पास पद नहीं है तो आप बच्चे जो डिलीट किए हैं जिसमें से 1,000,000 बच्चे TTU 3 है, आपके पास पद नहीं है तो आप उनको क्यों डिलीट करवा रहे हैं, उनको क्यों बेरोजगारी की ओर? नियुक्ति के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है क्योंकि वर्तमान में पहले से 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं और जिनपे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं, इस पे माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि विभाग के अंतर्गत अभी शिक्षकों की छात्रों के अनुपात को देखते। तो साथियों, देखा आपने, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि हम अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को शिक्षक मान चुके हैं। अब बात उठती है कि केंद्र ने कहा है समस्त राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करें। अब जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो शिक्षा मित्र अनुदेशकों को इन्हें नियमित करना पड़ेगा, स्थायी करना पड़ेगा उनके पदों पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के दिन बहुरने वाले हैं और हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त भी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि कुछ समय बाद आप सभी के साथ अच्छा किया जाएगा, सरकार विचार कर रही है। बात रही नई शिक्षक भर्ती की, तो माननीय मंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भर्ती का प्रकरण है, 2 भर्तियों का, वो न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर जो फैसला आएगा उसके साथ भर्ती नई शुरू की जाएगी। तो साथियों, ये बात क्लियर हो गई है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि न्यायालय की बात पर अमल किया जाएगा। मानदेय 17,000 जो एक साल का आदेश हुआ है डबल बेंच से, जल्द मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हम ऐसा माननीय मंत्री जी के मुखारविंद से ये सुन चुके हैं कि जैसा न्यायालय में आदेशित किया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। तो कह सकते हैं अनुदेशकों के दिन बहोरने वाले हैं, उनका मानदेय 17,000 अवश्य मिलेगा, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही नई शिक्षा नीति भी लागू हो रही है, उसमें स्थायीकरण के बारे में भी कुछ ना कुछ सरकार अवश्य करेगी। ये तो निश्चित हो चुका है कि अब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को
बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। साथ ही संविदा भी समाप्त होगी, यानी कि संविदा के जितने भी पद हैं उनको समाप्त किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक मित्र और अन्वेषकों को अन्वेषक शिक्षक के रूप में माना जाएगा, उनको उनके ही पद पर नियमित किया जाएगा, ऐसी हम संभावना जता सकते हैं। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है हम सभी के, आप सभी के दिमागों में। कोई नहीं, ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखते हैं ये अंधेरा कब तक नहीं छटेगा, एक न एक दिन अवश्य छटेगा, क्योंकि हम हैं बी पॉजिटिव अंधेशक न्यूज़, आपके संघर्ष का साथी, सदा आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ हर खबर पर नज़र रखने के लिए। तो साथियों, पुनः एक बार हम्बल रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ उन सब्सक्राइब कर दें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।